तीन देखिए, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल बेंड द मोस्ट। बच्चों जरा क्वेश्चन समझिए, जरा क्या कहना चाहते हैं। देखिए, वाटर है, केरोसिन है, मस्टर्ड है और ग्लिसरीन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ रे कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एयर है, ठीक है, या वैक्यूम आप अज्यूम कर सकते हो। तो देखिए ये एयर है और यहाँ बच्चों वाटर है मान लीजिए, ठीक है। अब रे कहाँ से आ रही है बताइए, एयर से आ रही है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे ये एंगल 30 है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये वाला क्यों बोल रहे हो, नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं। पहले तो मैं इंटरफेस के साथ देखूंगा ना, तभी तो मेरे को नॉर्मल के साथ मिलेगा ना। यहाँ पे चेक करो, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 30 = 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल जो इन्होंने बोला है ना, बात समझिए। देखो अभी मैं एक मिनट जरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा, रुकिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए एयर है और यहाँ केरोसिन ऑयल है, ठीक है, मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे लेके आनी है वो इसके पैरेलल ही होनी चाहिए, तभी तो। ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। इसी बात को हम क्या बोलेंगे, इसी बात को हम ये बोलेंगे कि यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल बेंड द मोस्ट। बात समझो बच्चों, यहाँ कंडीशन आप पहले चेक करिए। कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल, मतलब कि चाहे आप वाटर लिया हो आपने एयर के साथ, चाहे आपने एयर के साथ केरोसिन ऑयल लिया हो, चाहे एयर के साथ ग्लिसरीन कुछ भी लिया हो, लेकिन जो आपको रे इंसिडेंट करानी है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब जो तिरछी, ऐसे तिरछी डायरेक्शन में जो रे आ रही है बच्चों, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब देखिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा मीडियम, देखो आपने एक चीज पढ़ी क्या कि जब मीडियम फर्स्ट से कहां जाती है रे, सेकेंड मीडियम में, तो सेकेंड मीडियम उसको बेंट कर देता है, याद है ना। क्यों? क्योंकि और ये जो बेंट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो बेंट करने की क्षमता होती है, यही क्या होता है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो मीडियम जितना ज्यादा बेंट करेगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है, ये हमने आपको क्लास में बताया, या वाइस वर्सा, मतलब जिस भी मीडियम का, किस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो रे को सबसे ज्यादा बेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को सबसे ज्यादा चेंज करेगा, याद है आपको। तो आप ये देखिए बच्चों कि आप ये चेक करने जा रहे हो कि जब एयर से वाटर में आ रही है, एयर से केरोसिन में आ रही है, या एयर से मस्टर्ड ऑयल में आ रही है। चलिए डायग्राम बच्चों यहाँ पे हम बना के आपको पहले दिखाई देते हैं, तभी आपको बातें सब क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ ऐसा ही लेके आना है, यहाँ एयर है और यहाँ नीचे क्या है, एम एस लिख दिया मैंने, मस्टर्ड ऑयल है, ये ऐसा, ये एंगल होना चाहिए 30 और ये हो जाएगा 60, ठीक। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये है नीचे सबसे आपका ग्लिसरीन, ठीक है, और यहाँ एयर है ऑब्वियसली, और फिर से जो आपको ऑब्लिकली लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराना है उसका एंगल उतना ही होना चाहिए, यहाँ इंटरफेस के साथ 30 और नॉर्मल के साथ 60। तो आप चारों केसेस में देख लीजिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने 60 60 60 60 लिखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल के साथ, है ना। तो नॉर्मल के साथ पहले नहीं मेजर कर सकते, पहले तो हम किसके साथ मेजर करेंगे, इंटरफेस के साथ, जहाँ पे दो मीडिया क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों बात समझिए, अब जैसे ही मीडियम वन से मीडियम सेकंड में जाएगी, जैसे ही मीडियम वन से मीडियम सेकंड में जाएगी सबसे ज़्यादा वो वाला मीडियम बच्चों इसको बेंट करेगा जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लास में हमने आपको पढ़ाया है व्हाट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो दूसरा मीडियम होता है, जब एयर से कहाँ जाती है या वैक्यूम से रे कहाँ जाती है, दूसरे मीडियम में, तो दूसरा मीडियम जो रे को मोड़ता है, जो मोड़ने की क्षमता होती है, उसी को हमने न्यूमेरिकली एक नाम दिया हुआ है, क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ज्यादा उसको बेंट कर देगा। बात समझ में आई? तो बच्चों देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको दिमाग उमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ डेटा हमने गूगल से निकाला हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन 1.44 होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल 1.46 होता है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन 1.47 होता है। और ये किसके रिस्पेक्ट में देखा मैंने, एयर या वैक्यूम आप बोल दीजिए। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए बच्चों, इन चारों में से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है बताइए, 1.47, तो सबसे ज्यादा कौन बेंट करेगा बताइए, ग्लिसरीन। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे कम कौन बेंट करेगा बच्चों,
वाटर, देखिए तो ये जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन वाटर ने इसको थोड़ा सा बेंड किया अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ऐसे, ठीक। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल ने इसको और ज़्यादा बेंड किया। अगर ये 10 डिग्री तो ये 11 डिग्री कर रहा होगा सपोज, ये देखिए ये और ज़्यादा हो गया। अगर ये 10 डिग्री बेंट हो गया अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से तो ये 11, ऐसे मान लो आप, कोई ये असली नंबर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने। ये ऐसे जा रहा था और मस्टर्ड ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है 1.46, तो इसने सपोज 12 डिग्री, ये 12 डिग्री बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ, ये हो गया सपोज कितना 12 डिग्री। और लास्ट में बच्चों ग्लिसरीन ने क्या किया, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से इसको बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया, लेट अस से 14 डिग्री या 15, जितना भी बेंड कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन बेंड कर रहा है, ग्लिसरीन। अब यहाँ पे बच्चों ये काम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने इस पे रेस को इंसिडेंट कराया है ऑब्लिकली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर सेम, भाई वाह बताओ, आप चार स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन करा रहे हो कि कौन अच्छा रिजल्ट देगा, तो उसको फैसिलिटीज़ भी तो पहले सेम दो सभी बच्चों को, सभी को सेम सुविधा अगर दी जाए, ठीक है, सभी को इनपुट सेम दिया जाए, सभी को फैसिलिटीज़ सेम दी जाए, फिर आप कॉम्पिटिशन में चेक करिए कि रिजल्ट कौन अच्छा दे रहा है। बात समझ आई कि नहीं, तो यही चीज़ है बच्चों। यहाँ पर पहले आप इनपुट तो सही से दो, सबके सेम रखो ना, पता लगा आपने इनपुट ही गड़बड़ कर दिया, किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया, तो कंपटीशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि आउटपुट फिर उसी हिसाब से मिलता है, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपको याद भी होगा शायद स्नेल्स लॉ लगता है इसमें, है ना, क्या होता था, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में। बहरहाल उतना हमें डिटेल में नहीं आना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें टिक लगाना है किस पे, ग्लिसरीन पे। बात समझ में आई कि नहीं। और मैं ये मानता हूँ, ये अगर क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में आपके टिक मार्क में, तो एज इट इज एग्जाम्पलर से आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पता लगा बच्चे बोलने लगे कि सर आप बताइए कहाँ से बना के आएगा ये, हम ऐसे क्वेश्चन हम कैसे याद करें, तो भैया सुनो, या तो ये डायरेक्ट आएगा, और अगर कुछ बना के आ गया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन दे दिया तुमको, मतलब ये जो दूसरा मीडियम है, बेंजीन दे दिया, या क्राउन ग्लास दे दिया, या रूबी दे दिया, या सफायर दे दिया, डायमंड दे दिया, तो पता है आपको, नहीं डायमंड नहीं, डायमंड तो आपको याद रखना पड़ेगा, डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.42, क्लास में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इनके अलावा बच्चों अगर कुछ और आएगा पेपर में, तो आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका मेंशन किया रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पलर से डायरेक्ट, तो मेंशन नहीं किया रहेगा, आप याद कर लीजिए इसको, ध्यान कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए।